Assalamu alaikum dear friends, my name is Shayan Khan and welcome to a Khan Learning Tutorial. आज का हमारा लेक्चर एरेज है. एरेज है क्या? एरेज और द डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम ऑफ द सेम टाइप. मिसाल के तौर पर आप लेना चाहते हैं बहुत से इंटीजर्स. आप एक प्रोग्राम में बहुत से इंटीजर्स वेरिएबल्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरेज. मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें आप यूज़र से डेटा इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं CN का, तो आपको बहुत टाइम मतलब ये कि बहुत बार CN लिखना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल वेरिएबल लेना चाहते हैं. उसकी आसानी के लिए हम एरे यूज़ करते हैं. एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड टाइप. एरे में क्या होता है कि सेम वेरिएबल का जो नेम होता है वो सेम होता है और सेम टाइप के वेरिएबल होते हैं. इनों की मेमोरी लोकेशन भी सेम होती है. यूज टू प्रोसेस अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप. और ये कलेक्शन ऑफ डेटा भी है जो है वो भी सेम करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर वो इंटीजर लेंगे तो वो आपने एक डेटा टाइप लिया है इंटीजर में तो वो इंटीजर ही लेगा, वो वेरिएबल नहीं लेगा. अगर आपने एक डेटा टाइप लिया है कोई करेक्टर लिया है तो वो करेक्टर ही यूजर से लेगा. द मेमोरी लोकेशन इन द एरे आर नोन एज एलिमेंट्स. जो मेमोरी लोकेशन है एरेज की वो है एलिमेंट्स. The total number of elements in an array is called length of or size of an array. Total elements जो सी है वो इसकी length या size कहलाती है. Array की size या length कहलाती है. Array are used to store a large amount of similar kind of data. For example, a user want to store the marks 100 student and declare 100 variable. अब आपको 100 variable चाहिए तो अब 100 time CN लिखते हुए बहुत थक जाएंगे तो आप उसके लिए use करते हैं array का. Each element in the array is accessed with the reference to its position in the array. अच्छा, अब क्या कि जो भी elements होगा उसके अपने एक position होगी arrays की. उस length के अंदर उसकी एक अपनी position होगी. The position is called index or subscript. वो उस सब्सक्रिप्ट कहलाई जाएगी. ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इंडेक्स. हर एक एलिमेंट का यूनिक अलग इंडेक्स होगा. फर्स्ट एलिमेंट इज जीरो. इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज लेंथ 1 या -1 नहीं होगी.
द वैल्यू ऑफ इंडेक्स राइट इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में राइट की जाती है अब वैल्यू। अब इधर आपने 100 दे दिया तो आपके पास 100 बॉक्सेस, 100 वेरिएबल्स, 100 मेमोरी लोकेटर बन जाएंगे अलोंग विद द नेम ऑफ द एरे। डिक्लेयरिंग वन डायमेंशन एरे। अब वन डायमेंशन एरे क्या है, हम वन डायमेंशन और टू डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वन डायमेंशन एरे है क्या। इन वन डायमेंशन एरे एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो वन डायमेंशन एरे में क्या होता है, एलिमेंट्स जो है इन फॉर्म ऑफ लिस्ट होते हैं, आल्सो नॉन लीनियर लिस्ट, कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स और रोज। एक कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स होती है या रोज। एरेज डिक्लेयर्स इन स्पेसिफिक्स नेम्स, डेटा टाइप्स और साइज। साइंटिक्स हमारे पास क्या है, डेटा टाइप हम लेंगे, जैसे हम इंटीजर, वेरिएबल, एरे नेम, और उसके बाद ब्रेसेस में हम एरे साइज डिक्लेयर करके और लास्ट में सेमी कॉलम दे देंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है, इंट मार्क्स 5, तो 5 इंटीजर एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास 5 वेरिएबल्स आ जाएंगे। नेम ऑफ एरे हमारे पास क्या है, मार्क्स, तो ये हमारे पास रैम के अंदर इस टाइप का एक बॉक्स बन जाएगा जिसके 5 खाने होंगे। फ्लोट डी, दिस टाइप, दिस नंबर इज कॉल्ड आल्सो एन एरे। Declare multiple array same type using the common list. अब multiple array, अब मसलन हमने एक integer लिया है b और एक integer लिया है x, तो multiple arrays हम इस तरह declare करते हैं। Array initialization, the initialization an array when it declares, तो ये अब initialize कैसे होगा, ये array हमारे पास initialize कैसे होगा। The value from the index variable are enclosed in braces, तो वो length जो होगी वो braces के अंदर होगी, array की length spread by the columns। अब वो एरेस के अंदर होगी और अब उसके अंदर आप वैल्यूज जो हैं वो इनपुट करेंगे। एग्जांपल हमारे पास जैसे ये है कि हमारे पास ये लेंथ ऑफ एरे हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने 5 हमारे पास ये हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो मार्क्स 0 हमारे पास 70 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 96 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। तो ये आपके पास इस टाइप का एक रैम में मेमोरी लोकेशन हो जाएगी। एरे इनिशियलाइजेशन, इफ टू फ्यू वैल्यू आर लिस्टेड इन अ इनिशियलाइजिंग statement, तो initialization of the array क्या है, अब इस slide में हम और तफसील से पढ़ेंगे कि जब हम किसी array को लिखते हैं
तो वो माइनस वन होती है उसकी असल में वैल्यू। एरे जीरो जीरो जो सा है वो हम नहीं लिख सकते, एरे वन से हम शुरू कर सकते हैं। अब जो एरे टेन होगा वो असल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आएगा। If the value listed in initialization system are more than array element, it causes a syntax error. अगर arrays की values कम हो या ज़्यादा हो तो हमारे पास एक error generate करेगा। Exciting individual element of array. Each individual element of array is access specific, specifying the following: name of array and index of array. अब हमने एक array लिया है, उसके अंदर marks, हमने एक एरे जिसका नेम मार्क्स है तो उसके अंदर लेंथ हमने रख दी है 5। तो पहला जो हमारे पास हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो 0 में आएगी, फिर 1 में आएगी दूसरी वैल्यू, फिर 3, 2, 3, 4, तो इस टाइप में 4 तक हमारे पास वैल्यूज आएंगी। एरे नेम और फिर उसके अंदर इंडेक्स। आप देख सकते हैं ये इनकी एक सिंपल एग्जांपल है। अब हम जो है लॉन्ग प्रोसेस को छोड़ के, जिस तरह हम इनपुट वैल्यूज करते थे तो वो हम लॉन्ग प्रोसेस को छोड़ के अब शॉर्ट प्रोसेस पर आते हैं कि अब इंट मार्क्स 5 है हमारे पास, फिर हम उसके बाद फॉर लूपिंग इस्तेमाल करते हुए इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, तो मार्क्स के अंदर हमने वैल्यू इनपुट कर दी है आई, आई इज इक्वल टू आई। अब जो भी आप इधर कुछ वैल्यू डाल दें वो हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि i इज लेस देन 5 है और i इंक्रीजिंग बाय 1 है। द अबव एग्जांपल यूजिंग फॉर लूप टू स्टोर द डिफरेंस वैल्यू इन द एरे यूजिंग द कंट्रोल वेरिएबल आई एज एन इंडेक्स, ये एज इंडेक्स यूज किया जाता है हमारे पास। सिमिलर टू द इनपुट और आउटपुट विद द सेम वेरिएबल सी इन यूज टू इनपुट द वैल्यू एंड सी आउट यूज टू आउटपुट द वैल्यू। द यूज ऑफ लूप with array making the process of input or output faster and easier. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो एरेस पर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे डिक्लेरेशन इन अ प्रोग्राम सीखेंगे और यूजर से हम इनपुट वैल्यूज भी करेंगे और बहुत से आई थिंक 5 प्रोग्राम हम रन करेंगे। तो
तो कीप कनेक्टिंग विद अस एंड इफ यू लाइक माई वीडियो तो सो प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर कीप अपडेट योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको हमारी कावश पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए. थैंक्स.